एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम देखेंगे हमें ट्वेंटी एट फेबरी के दा हिंदू में क्या क्या पढ़ना है तो चलिए देखते हैं तो ये एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा आया हुआ है अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल ई वेस्ट रूल से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हमारा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है द प्रॉब्लम uh, मतलब इसमें बस हम वो वो देखेंगे जो कि हमें पढ़ना है ठीक है यहाँ से देखो द फर्स्ट सेट ऑफ़ ई वेस्ट रूल वॉज नोटिफाइड इन टू थाउजेंड इलेवन एंड केम इन टू इफेक्ट इन टू ट्वेंटी ट्वेल्व तो ये बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट ई वेस्ट रूल था वो नोटिफाई किया गया था ट्वेंटी इलेवन में और ये इफेक्ट में कब से आया ट्वेंटी ट्वेल्व में ठीक है एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रूल ट्वेंटी इलेवन द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोडक्शन सॉरी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ई पी आर ठीक है ई पी आर करके पूछ सकता है अंडर ई पी आर कंप्लायंस प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट वंस द कंज्यूमर डिस्कार्ड थी ई वेस्ट रूल ट्वेंटी सिक्सटीन विच आर अमेंडेड इन ट्वेंटी एटीन तो ई वेस्ट रूल जो है ठीक है 2016 सिक्सटीन कब हुआ था 2018 में वर कम्प्रहेंसिव एंड इंक्लूडेड प्रोविज़न टू प्रमोट अथॉर अथोराइजेशन एंड प्रोडक्ट ठीक है तो यहाँ पे ये जानना हमें पहला तो ये ई पी आर ठीक है इंट्रोड्यूस हुआ है ई पी आर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फर्स्ट कब आया था ट्वेंटी इलेवन में फिर इफेक्ट में आया ट्वेंटी ट्वेल्व से उसके बाद हमें क्या जानना द अदर कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर सच प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पी आर ओ वज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस रूल तो ये भी जाना है कि पी आर ओ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ इस रूल के तहत नवंबर ट्वेंटी ट्वेल्व में सॉरी नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट फर्दर नोटिफाई अ न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एक न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल आया विच विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम कब से अप्रैल फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दीज रूल ऑफ द क्रिटिकल इशू बट आर साइलेंट ऑन अदर द फर्स्ट मेन चैप्टर ऑफ ई वेस्ट रूल मैनेजमेंट रूल 2022 टू इंक्लूड प्रोविजन ऑफ ई पी आर फ्रेमवर्क द फोर मोस्ट रिक्वायरमेंट बीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर ठीक है रिसाइकलर तो ये इसके बारे में बात हुई मोस्ट ऑफ द डी फरबिशर और द रिपेयर शॉप ऑपरेटिंग इन डेली आर नॉट अथोराइज अंडर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया तो कुछ चीज़ें हैं जो जो हमको उसमें से जाननी है जिस पे जिस जिसपे मैं रेड से कर रही हूँ वो वाला हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें जानना है ठीक है न्यू सेट ऑफ रूल बना 2022 में ठीक है फिर ये फोर्स में कब से आया फर्स्ट अप्रैल 2023 से और ई वेस्ट मैनेजमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंक्लूड करता है प्रोविज़न ऑफ़ ई बी आर जो कि अभी हमने देखा था और फिर उसके बाद हम आगे आ जाएंगे यहाँ पे बात हो रही है डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच की आ डिजिटलाइज्ड सिस्टम अप्रोच इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू रूल ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जब आया मे नाउ एड्रेस दिज चैलेंज स्टैंडर्डाइजिंग द ई वेस्ट वैल्यू चेन थ्रू अ कॉमन डिजिटल पोर्टल मे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इज क्रूशल टू रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग एंड फॉल्स ट्रेल ओके प्रैक्टिस ऑफ फॉल्सली रिव्यूलिंग हंड्रेड परसेंट कलेक्शन ऑन पेपर वाइल कलेक्टिंग एंड मतलब कुल मिला के यहाँ बात की जानी कि किस तरीके से सारी चीज़ें क्या हो गई हैं डिजिटलाइज हो गई हैं ठीक है थीके? तो अब जो पेपर ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें होती थी और जो, जो, मिस्टेक्स वो सारी चीज़ें नहीं होंगी अब वो ट्रैक किया जा सकेगा ईजिली करेक्ट um, ये हमें ध्यान देना था द इन्फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर की यहाँ बात हुई है द इनफॉर्मल सेक्टर विच प्ले अ क्रूशल रोल इन ई वेस्ट हैंडलिंग ड्रा नो रिकोगशन इन द न्यू रूल्स विच कुड नॉट वी कुड भी अकाउंट ऑफ इट्स ई लिगैलिटी द इनफॉर्मल सेक्टर इज फेस ऑफ ई डिस्पोजल इन इंडिया तो ये कहा जा रहा है जो इनफॉर्मल सेक्टर है वी फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल कितना अकाउंट करता है नाइन्टी फाइव परसेंट ई वेस्ट चैनलाइज करता है ये सेक्टर तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट uh, करने की जरूरत है किसको फॉर्मल सेक्टर को भी ठीक है तो चीज़ें और भी प्लान मैनर में हो पाएंगी अब यहाँ पे बात की जा रही है द रेस्ट ऑफ द स्टेट क्या क्या है कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड वेस्ट फिर सेग्रीगेशन है ऑफ़ ई वेस्ट फिर क्लस्टर एक्यूमुलेशन ऑफ ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर टाइप तो क्या क्या इस्टे मतलब कैसे करना है टॉप टू बॉटम तो ये बताया गया है ठीक है मतलब स्टार्ट uh, से लेके एंड तक क्या करना है कलेक्ट कलेक्ट uh, करना है ठीक है कलेक्शन ऑफ मिक्सड वेस्ट होगा फिर सेग्रीगेट करना है जो भी ई e वेस्ट है फिर क्लस्टर करना है तो ये सारी चीज़ें हैं ई e वेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है ठीक है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं द कंज्यूमर नो लिटिल मेनी प्रोड्यूसर्स इन डेली हैव स्टिल नॉर्थ सेटअप कलेक्शन सेंटर एंड सम ब्रांड लेबल देयर हेड ऑफिस लोकेटेड ऑन द आर्ट कर्ट ऑफ डेली एज ओनली कलेक्शन पॉइंट तो बहुत सारे हैं जिनको सेटअप नहीं किया है कलेक्शन सेंटर्स ये भी बात है यहाँ पे हालांकि कहा गया है कि सबको अपना कलेक्शन सेंटर करने की ज़रूरत है तो ये थी ई वेस्ट रूल से रिलेटेड जो कि हमारे आ सकता है हमारा तो ये हमको जानना है फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक है वी नीड डेमोक्रेट डेमोक्रेटिकली री इमेजिन साइंस तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है हमें ये जानना है हमें बात हो रही है यहाँ पे रमन इफ़ेक्ट की ठीक है आज का हमारा यही टॉपिक इस पर है रमन इफेक्ट का तो देखो नॉन विद स्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल साइंस डे मतलब नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ट्वेंटी एथ फेबरी को तो उसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ है Which commemorate the discovery of Raman effect instead of speaking about the preeminent scientist and Nobel Prize, it may be worthwhile to consider absence of serious training in the uh, critiquing science. Last week in an article, तो अभी क्या हमको पढ़ना वो हम देखेंगे ये सम्मेलन हम देखना हमको जो हमारे एग्जाम के लिए है बस उतना ही हमको जानना है ठीक है ओके okay? तो हम यही बस हमको वही देखना है तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि इनको इस चीज़ के लिए नोबल प्राइज भी मिल चुका है ठीक है ऑफ ट्रेनिंग इन द क्रिटिक्स तो रमन इफ़ेक्ट यानी कि जो तो सी वी रमन है ठीक है उन्होंने जो भी चीज़ें की थी डिस्कवरी की थी उसके लिए उनको नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है तो उसके लिए ये न्यूज़ में आया है और हाँ यहाँ पे ये बात हुआ है कि ट्वेंटी एट्थ फेवरी को ट्वेंटी एट्थ फैप को सेलिब्रेट करने के लिए एज अ नेशनल साइंस डे तो इसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ है करेक्ट और जो इनको नोबल प्राइज़ तो मिला था एक तो ये हम जानते हैं और रमन इफ़ेक्ट के लिए मिला था ठीक है और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी फनमना था इस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ठीक है फिजिसिस्ट हैं ये ये सबको पता ही होगा ठीक है और चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका नाम है ठीक है और ये सारी जो नोबल प्राइज और uh, मिला तो ये फर्स्ट ऐसे थे जिनको साइंस uh, के फील्ड में ठीक है पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे इसके बाद हमारा है नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है टेस्ट एंड कॉन्टेक्स वाले पेज पे आगे इस पर है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉस इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था पर आज भी फिर से हम देख लेते हैं क्या दिया गया है फेवरी ट्वेंटी थ्री रशियन प्रेसिडेंट जो है ट्वेंटी थर्ड को पुतिन uh, इ उन्होंने अनाउंस किया मॉस्को वाज यूनिलिटरली सस्पेंडिंग द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी विद यूएस तो उन्होंने क्या किया है कि सस्पेंड कर दिया है जो न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी है उसके लिए उन्होंने अनाउंस किया है ठीक है स्टेटिंग दैट द वेस्ट वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय रशिया वो कह रहे हैं क्योंकि वेस्ट चाह रही है डिस्ट्रॉय करना रशिया को दैट्स वाई वो क्या करना चाह रहे हैं वो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं ट्रीटी को वाइज बोथ मॉस्को एंड वॉशिंगटन वर अग्रेसिव इन देयर वन अप मैनशिप ऑफ एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर सी इन इनिशियल डिकेट ऑफ द कोल्ड वॉर दे हैव इंगेज इन रॉकी रायोलैचरल टॉक एंड हैव साइन मल्टीपल ट्रिटीज ठीक है तो उन्होंने मल्टीपल ट्रिटीज साइन की थी कीप चेक ऑन ईच अदर न्यूक्लियर आर सी तो उन्होंने उस समय ये किया था ट्रिटी साइन सिंस बुटिन हैज़ नॉट विदड्रॉन फ्रॉम द ट्रिटी एंड जस्ट सस्पेंडेड उन्होंने ये नहीं बोला कि वो विदड्रॉ कर रहे हैं ट्रीटी को उन्होंने बस सस्पेंड किया है ठीक है इट एनालिस्ट आप देखो यहाँ से कन्फ्यूज कर सकते हैं हमको ठीक है विदड्रॉ नहीं किया है याद रखना है बस सस्पेंड हुआ है ठीक है मूव वुड नॉट इमीडिएटली ट्रिगर एन आर्म रेस बिटवीन द टू पावर इट कुड बी पार्ट ऑफ रशिया पोलिटिकल मैसेजिंग मैसिव असिस्टेंस टू यूक्रेन वो एक तरीके से ये भी होगा देना कि जो ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है यू यूक्रेन को ठीक है तो उसके लिए भी हो सकता है इस जस्ट एक्शन का रिएक्शन तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है ठीक है तो तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे न्यू स्टार ट्रीटी साइन हुई थी 2010 में यू प्रेसिडेंट उस समय बाराक ओबामा थे और रशियन प्रेसिडेंट थे दि ठीक है और फिर ये फोर्ट्स में आया था फाइव ट्वेंटी अलेवन से एक्सटेंड किया गया पाँच सालों के लिए और जब आ, जो बाइडन आए ठीक है अंडर द ट्रीटी अमेरिकन रशिया कैन नॉट डिप्लॉय वो डिप्लॉय नहीं कर सकते मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वारहेड को और ना ही सात सौ लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड बॉम्बर्स को तो कुछ चीज़ें हैं जो उसमें लिमिट की गई थी अंडर द एग्रीमेंट रशिया एंड यू एस एक्सचेंज डेटा ट्वाइस अ ईयर उनको ट्वाइस अ ईयर मतलब ठीक है ट्वाइस अ ईयर ईयर में दो बार उनको जो भी डेटा है वो शेयर करने पड़ेगा बैलिस्टिक मिसाइल अंडर द ट्रीटी पर व्यू तो ये सारी चीज़ें उनके बीच जो हैं वो साइन हुई हैं देखो यहाँ पे एक है द स्ट्रेटिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट वन की बात हो रही है जो साइन हुई थी नाइनटीन नाग्टी में एक्सपायर हुई थी ये लेट टू में और अदर जो एक अनदर ट्रीटी साइन की गई स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट जिसे कहते हैं और मॉस्को ट्रीटी भी कहते हैं वो टू थाउजेंड एंड टू में साइन की गई थी हाव न्यू ट्रीटी रिप्लेस ये जो न्यू ट्रीटी है उसने रिप्लेस किया टू थाउजेंड टू वाली ट्रीटी को पैक्ट एंड बॉस सेट रिमेन न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पावर हु टूगेदर होल्ड नाइन्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर आर तो ये अकाउंट करते हैं नाइन्टी परसेंट वर्ल्ड के टोटल न्यूक्लियर आर्सेनल को करेक्ट तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं वाई डिड रसियन प्रेसिडेंट सस्पेंड टी टी, टी सस्पेंड क्यों किया क्योंकि ही सेड नेटो एंड यू एस वॉन्टेड टू इन्फ्लिक्ट स्ट्रैटिक डिफीट ऑन रशिया एंड ट्राई टू गेट आर न्यूक्लियर फैसिलिटीज एट द सेम टाइम तो मतलब वही यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है और रशिया को ये लगता है कि यू एस सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को तो इस वजह से वो एक तरीके से है उनकी चीज़ें न्यू स्टार्ट ट्रिटी वॉज साइंड ये तो वही अभी हमने पढ़ा ट्वेंटी टेन में साइन हुआ था ओबामा और जो उस समय के रशिया के प्रेसिडेंट थे उनके बीच तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ऑलरेडी ठीक है और जो होगी वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आ जाएंगे हम ऑर्गन ऑन अ चिप देखो यहाँ पिक्चर भी दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या है ऑर्गन ऑन अ चिप अ टीच विच मे डिजीज सिस्टम इन लेबोरेटरी कंडीशन तो इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें देखनी है लास्ट ईयर द यू एस गमेंट पास द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेट मॉडर्नाइजेशन एक्ट उन्होंने पास किया था टू पॉइंट ओ द मूव इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनशिप तो उसमें यह था एक्स मतलब uh, कि ऑर्गेनशिप जो है उसको लेकर के क्या करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट होगी जो वो बूस्ट की जाएगी स्मॉल डिवाइस कंटेनिंग ह्यूमन सेल दट आर यूज टू मेमिक द इन्वामेंट इन ह्यूमन ऑर्गेन तो वो जो इन्वायमेंट uh, uh, जो भी है ह्यूमन ऑर्गन में उसको मेमिक करेगी इंक्लूडिंग ब्लड फ्लो देखेगी ब्रीदिंग मूवमेंट ठीक है सर्विंग ए सिंथेटिक इन्वायरमेंट इन द विश टू टेक्स न्यू ड्रग्स तो इसके लिए किया गया इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्रग ब्रिंगिंग अ न्यू ड्रग इन टू द मार्केट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस रिडन विथ फेलर फर्स्ट रिसर्चर आइडेंटिफाई कैमिकल कंपाउंड मतलब बता रहे हैं पूरा प्रोसीजर के पहले फर्स्ट कैमिकल कंपाउंड आइडेंटिफ़ाई करना है ठीक है कैन बी यूज टू ट्रीट कंडीशन कि वो कंडीशन को ट्रीट कर पाए ठीक है यूजिंग मॉडलिंग एंड अदर टेक्निक तो ये सारी चीज़ें हैं एट दिस स्टेज कॉल्ड द प्री क्लिनिकल ट्रायल प्री क्लिनिकल ट्रायल उसके बाद करने की ज़रूरत रहती है ठीक है एनिमल यूज़ दे हेयर इंक्लूड क्या क्या एनिमल्स यूज़ करते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए माइस रैट हेम्स्टर ठीक है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे पहले वो अप्लाई करके देखते हैं टुडे फ्यूअर देन टेन परसेंट न्यू ड्रग्स कंप्लीट प्री क्लिनियर प्री क्लिनिकल स्टडीज एंड फ्यूअर देन फिफ्टी परसेंट दैट इवेंचुअली सक्सेसफुली कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल तो फिफ्टी परसेंट कम सक्सेसफुल कम्प्लीट कर सक कर लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल और टेन परसेंट जो रहते हैं वो कम्प्लीट नहीं कर पाते ठीक है फ्यूअर देन टेन परसेंट ऑफ न्यू लस कम्प्लीटक मतलब न्यू ड्रग्स जो हैं वो टेन परसेंट ही कर पाते हैं फ्यूअर देन टेन परसेंट से भी कम ऑर्गन चिप क्या है प्रोफेसर ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड डायरेक्टिव ऑफर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड हैज डेवलप द फर्स्ट हाँ या देखो डेवलप किया है फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन ऑन अ चिप मॉडल ट्वेंटी टेन इट वॉज लंग ऑन अ चिप दैट मिमिकड बायो कैमिकल एक्सपेक्ट ऑफ लंग एंड इट्स ब्रीदिंग मोशन तो लंग्स के बायो कैमिकल एक्सपेक्ट और ब्रीदिंग मोशन को ये क्या कर पाएंगे मिमिक कर पाएंगे इन तो मतलब क्या क्या, -क्या चीजें हैं वो सारी चीज की ऑर्गनशिप इन इंडिया की बात कर रहे हैं अ रिसर्च ग्रुप इन इंडिया हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड कुछ रिसर्च ग्रुप है जिन्होंने डेवलप किया है इस मॉडल को प्रजाक्ता धन देकर जान असिस्ट वन प्रोफेसर फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई हर ग्रुप हैज़ डेवलप्ड इन्होंने डेवलप किया है स्किन ऑन अ चिप मॉडल टुगेदर विद द टीम ऑफ अभिजीत मजुमदार मतलब नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आईआईटी बॉम्बे में और इज करेंटली बी इंटरेस्टेड फॉर स्टडिंग स्किन इरिटेशंस एंड टॉक्सिटी तो ये लोग किसके बारे में अभी कर रहे हैं मॉडल जो है इनका करेंटली वो स्किन इरीटेशन और टॉक्सटी पे है द टू ग्रुप आर ऑल्सो डेवलपिंग अ रेटिना ऑन चिप मॉडल और ये रेटिना ऑन चिप मॉडल भी तैयार कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इस ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मान दीज मॉडल्स बेटर प्रोडिक्ट ट्रीटमेंट आउटकम देन कन्वेंशनल सेल कल्चर सिस्टम वेयर आर रिसर्च इज ग्रो सेल इन अ प्लास्टिक डिसेज इन अ लैब सिंस दे मूव डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग इट्स थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड फ्लो ऑफ फ्लू लाइक ब्लड एंड लिंप तो ये सारी चीज़ें की गई मतलब इंडिया में भी चीज़ें इससे रिलेटेड हो रही हैं दैट इज़ वेरी होता नहीं कि गुड इफ द सेल आर आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट्स एंड यूज टू क्रिएट बायो मिमेटिक टी थ्रू द रिजल्टिंग ऑर्गन चिप्स कैन यूज टू डेवलप पर्सनलाइज थेरेपीज फॉर इंडिविजुअल पेशेंट तो इज आर रेडी टू यूज समीज ऑर्गन ऑन अ चीप दैट इंडियन साइंटिस्ट है रेडी फॉर यूज एज ड्रग टेस्ट बेज इन द लैब सेटिंग बट दे कुड बी आर डिकेट अवे फ्रॉम फीचरिंग इन क्लिनिकल ट्रैक मतलब रेडी टू यूज कर लिया है उन्होंने रेडी टू यूज के लिए तैयार कर लिया है पर भी प्री जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उससे अभी थोड़ा दूर हैं वो लोग ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं ये जानना हमें ऑन चिप क्या होता है नेक्स्ट हम देखेंगे तो बस इतना ही था जो हमको देखना था ओके थैंक यू सो मच